नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल की, वहाँ से उपजी कुछ कंट्रोवर्सीज की। इसके अलावा शाहरुख खान की जो फिल्म आ रही है पठान, जिसको लेकर के काफ़ी समय से एक वर्ग है जो नाराज़गी जाहिर करता आ रहा है। और इनफैक्ट जब लाल सिंह चड्ढा आई थी, उसी समय से बहुत सारा एक दर्शक वर्ग था सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि अब तो पठान का हमें इंतजार है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि पठान का इंतजार उनको क्यों था, और अब जब पठान के टीजर वगैरह या दूसरी चीज़ें, सॉन्ग्स वगैरह सामने आए हैं, और उसमें जिस तरह की दीपिका पादुकोणे की नग्नता दिखाई गई है, उसको लेकर के जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ये वही पुराने सिलसिले की एक कड़ी है जो लोगों ने विरोध करना शुरू किया है, बायकॉट की मुहिम शुरू की है, या मसला कुछ और है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जाने माने फिल्म समीक्षक और आपके भी बहुत जाने पहचाने चेहरे प्रतीक बोराड़े जुड़ रहे हैं मुंबई से। प्रतीक जी नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत 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 धन्यवाद सर स्वागत मुझे बुलाने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो हम इस कंट्रोवर्सी पर ही चर्चा कर लें। ये कलकत्ता में जो फिल्म फेस्टिवल है, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से विशिष्ट अतिथि के तौर पर, हालांकि वहाँ बच्चन साहब भी हैं, कई दूसरे कलाकार भी हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती नहीं हैं। मिथुन चक्रवर्ती तो पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस स्तर के अभिनेता हैं नहीं हैं, छोड़ दें इन बातों को, तो भी कलकत्ता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए तो एक प्राइड का वो एक विषय होना चाहिए कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है हिंदी फिल्मों में। एक दौर तो ऐसा था कि जब उनकी फिल्में धूम मचा रही थी। तो मिथुन चक्रवर्ती को नहीं बुलाना, इसको आप इस नज़रिए से देखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी की रैलियों में दिखाई दिए थे, या इसके पीछे कोई और वजह आप मानते हैं? नहीं, मुझे तो और कोई वजह इसमें दिखाई नहीं देती। एकदम स्वाभाविक सी और सिंपल सी बात है। केवल बीजेपी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से है, भले आप बीजेपी से जुड़े हो नहीं जुड़े हो, आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से होते हैं तो आपको साइड कर दिया जाता है। इससे ऐसे कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं पिछले कुछ दशकों के, जहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी कलाकार हो या फिल्म मेकर्स हो, चाहे वो राइटर्स हो डायरेक्टर्स हो, उन्हें इंडस्ट्री में जगह नहीं दी जाती, उन्हें चुन चुन कर साइड किया जाता है। और एक विशिष्ट लॉबी है फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हो या जो एक जिन्होंने अपना एक वर्चस्व बॉलीवुड पर बनाकर रखा है, वे एक विशिष्ट विचारधारा के लोगों को ही सामने आने देते हैं, बाकी सबको बिल्कुल साइड कर दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल की बात है तो मिथुन चक्रवर्ती जी को तो वहां पर बुलाया ही जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ आज के अभिनेता कलाकार अगर हम देखें तो मिथुन चक्रवर्ती जी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। और उनके एक्टिंग के बारे में तो मतलब शब्दों में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आज भी अगर हम देखें, इतने आयु होने के बाद भी अभी भी उन्होंने जिन कुछ फिल्मों में जो उन्होंने काम किया है, सब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनका हमें देखने को मिला है। और पश्चिम बंगाल में ये इस कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, पर उन्हें वहां पर नहीं बुलाया गया। और स्वाभाविक से बात इसमें पॉलिटिक्स है, वहां की राज्य सरकार हो शायद कुछ विचारों के मतभेद के कारण ही, मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें वहां पर नहीं बुलाया गया होगा। बाकी मैंने देखा कि फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने भी वहां पर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, और काफी कठोर शब्दों में उन्होंने ये बातें कुछ कही है कि जैसे संकुचित मानसिकता का, नैरो माइंडेड वगैरह ऐसी बातें कही है सोशल मीडिया को, कि भाई वो नकारात्मकता फैलाते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जितना देखा है, सबसे ज्यादा गाली गलौज या नकारात्मकता मैंने तो कम से कम बॉलीवुड के जो फैंस है या जो बॉलीवुड बॉलीवुड प्रेमी अगर हम कहे, उनमें ही मुझे सबसे ज्यादा नकारात्मकता देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा सा भी बॉलीवुड की आलोचना कर दे
क्रिटिसाइज कर दे, तो आपको ऐसे झुंड में आकर टारगेट किया जाता है, अटैक किया जाता है। और विशेषतः शाहरुख खान के फैंस के द्वारा तो मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि कितनी कितनी मुझे गालियां दी गई। मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी, एक नहीं दो दो तीन तीन वीडियोस मैंने इससे पहले अपलोड किए हुए हैं कि किस प्रकार से टारगेट किया जाता है, क्योंकि आप केवल सत्य भाषा में उनकी फिल्मों की आलोचना करते हैं। तो सबसे ज्यादा निगेटिविटी तो मुझे बॉलीवुड के फैंस में ही दिखाई देती है कि वे थोड़ी सी भी आलोचना सुनना ही नहीं चाहते। पर बॉलीवुड की बात करें तो वो पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहता है कि भाई हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो चाहे वो दिखाएंगे। फिल्म की शुरुआत में हम डिस्क्लेमर डाल देंगे कि भाई हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहे, इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बाद में फिल्म में उनका जो कुछ दिखता है, तथाकथित क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, सब कुछ हर वो बात दिखाई जाती है जो नैतिक रूप से भी गलत होती है, और एक देश की एकता और अखंडता के लिए भी कई सारी ऐसी बातें होती है जो बहुत बहुत ज्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक लगती है। चाहे वो भारतीय सेना को बहुत ही ज्यादा नकारात्मक रूप में दिखाने वाली बात हो, या कश्मीर के मुद्दे को वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, नक्सलवाद के इशू को वो कैसे प्रस्तुत करते हैं अपनी फिल्मों को, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, आतंकवाद को जस्टिफाई करना, हमारे ही कल्चर को बहुत ही गलत तरीके से टारगेट किया जाता है, बहुत गलत इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, विदेशी आक्रमणकारियों का ही महिमामंडन किया जाता है। ये सब कुछ क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर होता है। पर अगर देश की जनता बिल्कुल सभ्य भाषा में ये कहती कि भाई हमें नहीं देखनी आपकी फिल्में, एक प्रकार से शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन हम इसको कह सकते हैं कि देश की जनता ने कहा कि भाई हमें नहीं देखनी है हमें नहीं पसंद आपका कंटेंट, इससे ज्यादा शांतिपूर्ण और क्या हो सकता है। मतलब देश की जनता तो शांतिपूर्ण तरीके से कह रही है कि भाई हमें नहीं देखना है आपकी फिल्में। ये तो एक शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन ही हुआ ना। और बॉलीवुड तो बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी रिवोल्यूशन की बातें करता है। अगर आप फिल्में देखेंगे बॉलीवुड की, तो सिस्टम के अगेंस्ट हमें रिवोल्यूशन लाना है, सो कॉल्ड क्या रेबेल हमें बनना है। युवाओं को यही बातें तो वो सिखाता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो सिस्टम के अगेंस्ट किसी न किसी प्रकार से एक तथाकथित क्रांति की बातें ये लोग फिल्मों में करते हैं। पर ये जो बॉलीवुड है, ये आज एक इनका भी तो एक सिस्टम ही है, इस सिस्टम के अगेंस्ट इनके ही इंडस्ट्री का व्यक्ति भी अगर कोई जाता है तो उसको भी ये साइड कर देते हैं। कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का हो तो उसको भी ये साइड कर देते हैं। देश की जनता जो इनके ग्राहक है, कस्टमर्स है, वो भी अगर इनकी आलोचना करते हैं तो भी वो इस प्रकार से उनको टारगेट करते हैं कि भाई ये तो संकुचित मानसिकता के हैं, ये तो नकारात्मकता फैला रहे हैं। मतलब क्या देश की जनता को बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार नहीं है? ये चाहे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी दिखा दे तो लोगों को बस चुपचाप रहकर देखना चाहिए, उसकी ना आलोचना करनी चाहिए ना उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार के बयान देना मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड का केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रतीक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी अभी शुरू हुई है पठान के एक सॉन्ग को लेकर के और उसके कुछ सीन्स को लेकर के, जिस तरह के सीन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें दीपिका पादुकोण की नग्नता दिखाई गई है एक तरीके से, व्यक्तिगत रूप से आप जो ऑब्जेक्शन इस समय सोसाइटी की तरफ से हो रहे हैं उससे सहमत हैं असहमत हैं, और क्या इस तरह की चीजें कुछ ज्यादा ही प्रमोट की जा रही हैं आजकल की फिल्मों में? देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ कि इस प्रकार एक एक बहुत ही ज्यादा एक अलग ही लेवल की बहुत ही वल्गर और बी ग्रेड टाइप सॉन्ग मुझे वो कुल मिलाकर मुझे तो लगा। इससे पहले अगर हम देखते थे तो आप अगर देखेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत आइटम सॉन्ग्स वगैरह भी हमने देखे हुए हैं, पर वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस के द्वारा नहीं होते थे। अगर आप देखेंगे तो कोई बार डांसर वगैरह वो दिखा देंगे, या कहीं पर कोई नाच गान चल रहा है कि कहीं पर, तो इस प्रकार से उन आइटम सॉन्ग्स को भी दिखाया जाता है। उनमें भी इस लेवल की, मतलब इतना ये तो पूरी तरीके से सेमिन्यूड और बहुत ही ज्यादा वल्गर मुझे लगा। तो वो जो आइटम सॉन्ग्स होते थे, चाहे किसी बार डांसर को दिखा दे या कोई एक पर्टिकुलर किसी एक्ट्रेस को लाकर वो एक शूट कर देते थे, पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस के साथ में जो फिल्म में मुख्य भूमिका में है उसके साथ में इस प्रकार का एक इतना वल्गर, चीप और बी ग्रेड टाइप जो उन्होंने सॉन्ग शूट किया है, ये बहुत ही, मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि इससे पहले कहीं पर हुआ हो, और हुआ भी होगा तो बहुत ही ज्यादा कम है। पर ये एक शुरुआत हम ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर उसको इस प्रकार से इतना वल्गर रूप में दिखाकर आप उसको एक प्रकार से रोमेंटिसाइज कर रहे हैं, और बहुत ही प्राउडली उसको आप प्रेजेंट भी कर रहे हैं, और ऊपर से जो मीडिया है जो इस सॉन्ग को आलोचना कर रहे हैं उनको ट्रोल्स कहा जा रहा है। मतलब क्या देश की जनता को क्या उस सॉन्ग को या उसमें जो पिक्चराइजेशन किया गया है उसको लेकर अपना मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है?
तो मतलब लोग अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो उनको भी पूरा ये बॉलीवुड उनका इकोसिस्टम और वो इस प्रकार से इसे टारगेट किए जा रहे हैं ताकि लोग आलोचना ही ना करें, पूरा मुद्दे को ही वे अलग मोड में लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका एक तुलना वो कुछ दूसरे फिल्मों के आइटम सॉन्ग से भी कर रहे हैं। मैंने कई सारे कमेंट्स देखे इस सॉन्ग के आने के बाद में, तो वो कह रहे कि भाई पुष्पा में भी तो ऐसा सॉन्ग था, ओ अंटवा वगैरह वगैरह करके इस प्रकार की आलोचना की जा रही है। सबसे पहली बात तो मैंने उस समय इस पर कोई अलग से वीडियो बनाया नहीं, पर पुष्पा की भी मैं अगर बात करूँ तो मुझे पर्सनली उस फिल्म का कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था ऐसी बात नहीं है। मैंने मेरा पुष्पा के रिव्यू भी मैंने कहा था कि उसका कंसेप्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और फिर भी वहां पर जो सॉन्ग था वो एक बार डांसर का कैरेक्टर वहां पर उन्होंने दिखाया था। पर यहाँ पर आप फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर उस प्रकार जो एक बहुत ही वल्गर और बी ग्रेड टाइप जो पिक्चराइजेशन कोरियोग्राफी की गई है इस सॉन्ग की, बहुत ज्यादा चीप लग रहा था, वो लिटरली देखा नहीं जा रहा था आंखों से। तो बिल्कुल लोगों की जो एक पीड़ा हम देख रहे हैं या लोग जो आलोचना कर रहे हैं वो बिल्कुल मुझे तो कम से कम सही लगता है। प्रतीक जी, मुझे अगर सही से याद है तो शर्मिला टैगोर ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि जब एक गाना फिल्माया जा रहा था, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, शम्मी कपूर और उन पर फिल्माया जाना था, और उसमें डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि आपको स्विमिंग सूट पहनना है, यानी इस तरह की ड्रेस पहननी है जैसी पहले शर्मिला टैगोर ने कभी नहीं पहनी थी। और वो अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं लगभग रो पड़ी थी और मैंने मना कर दिया था। इसी तरीके से हमने हेमा मालिनी के कुछ इंटरव्यू सुने हैं। एक सेट पर तो धर्मेंद्र पहुंच गए थे डायरेक्टर को मारने पीटने के लिए कि आप इस तरह के कपड़े कैसे पहना सकते हैं। पहले की जो अभिनेत्रियां थी या अभिनेता भी थे, वो इन चीजों का एहतियात रखते थे। और आपने बिल्कुल सही टिप्पणी की है कि हेलन हुई, पद्मा खन्ना या कोई दूसरी जो कैबरे डांस वगैरह करती थी पुरानी फिल्मों में, उनकी उनके अंग दिखाई दे जाएं, वो भी दबा छुपा करके टांगों के ऊपर वाले हिस्से तक दिखाई देती थी, उनको दर्शक एक अलग नजरिए से देखता था। मनोरंजन के या फिल्म की कहानी की जरूरत है या चलो एक सॉन्ग इस तरह का हो गया, उनमें भी वल्गरिटी थी लेकिन इस स्तर की तो नहीं। आज जो टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, वो भी अगर ऐसे सीन करने को तैयार हो रही हैं, तो आप इसको पतन मानेंगे, व्यावसायिक मजबूरियां मानेंगे या कोई और नाम देंगे? देखिए, ये सिस्टमैटिक वे में पिछले कुछ दशकों में केवल भारत की बात नहीं है, अगर आप विश्व में कहीं पर भी चले जाएंगे तो पिछले कुछ दशकों में जो ये लिबरलाइजेशन हुआ है, तथाकथित हमें बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव बनना है, मॉडर्न बनना है और सो कॉल्ड पेट्रियार्की के अगेंस्ट हमें कुछ करके दिखाना है, ये बातें जो बच्चों के मन में बचपन से ही डाली जाती है फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, जो एक वोक माइंडसेट उन्हें डाला जाता है ना कि भाई जो पेरेंट्स आपको एक शालीनता की बात करते हैं, चारित्र्यवान होने की बातें करते हैं, सदाचारी होने की बातें करते हैं, वो तो रिग्रेसिव होते हैं, वो तो कंजर्वेटिव होते हैं, वो तो आपके सपनों को कुचलने वाले होते हैं। कई सारी टीनेज ड्रामाज, अगर कई सारी नहीं, आप जितनी भी टीनेज ड्रामा फिल्म है उनको उठाकर देख लीजिए, उनमें से 99% टीनेज ड्रामाज में आपको यही यही सब्जेक्ट मूल दिखाई देगा कि जहां पर जो पेरेंट्स है वो बच्चों के सपनों को कुचल रहे हैं, बच्चे को कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है या कुछ उसको कुछ सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए और पेरेंट्स उसके सपनों को दबा रहे हैं, और उसको यही बताया जाता है कि भी तुम्हें ये जो पेट्रियार्की है, ये जो रिग्रेसिव समाज है या बुजुर्ग है या माता पिता है, इनके अगेंस्ट तुम्हें एक रेबेल बनना है, तथाकथित आपको क्रांति लानी है इस पेट्रियार्की के अगेंस्ट तुम्हें लड़ना है, और उन्हें फिर माता पिता को थप्पड़ मार के या उनको छोड़कर शहरों की तरफ भागने की बातें दिखाई जाती है। आप जितने भी टीनेज ड्रामाज उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं पर ये बात आपको उन टीनेज ड्रामाज में देखने को मिलेगी। तो सेक्सुअल लिबरेशन तो उनका मुख्य विषय ही होता है, और उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता है कि आप अगर ऐसे वेस्टर्न कपड़े कहिए या जिनमें जो जिन बातों को जो समाज, माता पिता, बुजुर्ग जिन बातों को गलत मानते हैं या नहीं सही नहीं मानते हैं, वो अगर आप करते हैं तभी आपको बोल्ड कहा जाएगा। आप देख लीजिए जो भी एक्ट्रेसेस से सेमी न्यूड फोटोशूट किए जाते हैं तो उनकी हेडलाइन कैसी होती है, आप देखिए न्यूज आर्टिकल्स की, कि
ये एक्ट्रेस कितनी बोल्ड है, अपना बोल्ड अवतार इस एक्ट्रेस ने दिखाया। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि अगर कोई अपने बस सेमी न्यूड फोटोशूट कर गया, कैमरे के सामने वो खड़ा है, तो इसमें कौन सी बोल्डनेस हो गई, इसमें कौन सी बहादुरी हो गई, इसमें कौन सी बड़ी उनकी हिम्मत हो गई। तो एक तरफ तो ये लगातार जो घृणियां होती है, आप देख लीजिए फिल्मों में आज पिछले 15-20 वर्षों में अगर आप देखेंगे, जो निगेटिव फीमेल कैरेक्टर्स है वो आपको ज्यादातर गृहिणियां दिखाई देंगी, जिन्होंने भारतीय वेशभूषा अपने शरीर पर पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, मंगलसूत्र आपको उन्हें पहना हुआ दिखाई देगा, और उन कैरेक्टर्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में निगेटिव दिखाया जाता है कि भाई ये तो बहुत पिछड़ी हुई सोच वाले होते हैं, ये तो दबा कर रखते हैं अपने बच्चों को, लोगों को, ये दूसरों को जज करने वाले होते हैं, बहुत तुच्छ मानसिकता के होते हैं। और जो वेस्टर्न कपड़े या एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, उसको ग्लैमराइज, वो जो एक ग्लैमर वाला वर्ल्ड होता है, उसको रोमेंटिसाइज करके ये सब बातें दिखाई जाती है। तो बच्चों के मन में बचपन से ही ये बातें दिखाई जाती है कि आपको ये तो दबा रहे हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई आपको शालीनता से रहना चाहिए, चरित्रवान होने की बातें करता है, तो वो पिछड़ी हुई सोच वाले लोग होते हैं, ये सब फालतू की बातें होती है चरित्रवान वगैरह। और जो लोग बस पैसों के लिए कुछ सेमी न्यूड फोटोशूट करना हो, इस प्रकार से अपने शरीर का यूज करना हो, ठीक है, जिसकी जो स्वतंत्रता है, किसी को कोई विरोध नहीं कर रहा है यहाँ पर बात यह कि उसमें कोई बोल्डनेस नहीं है, उसमें आप कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको बोल्डनेस की परिभाषा देने तो सबसे बड़ी गलत बात है। पर इन्हीं बातों को रोमेंटिसाइज किया जाता है, इन्हीं बातों को प्रमोट किया जाता है बच्चों के सामने, युवाओं के सामने, युवतियों के सामने। इवन अभी पिछले 5-6 वर्ष, 6-7 वर्षों में अगर आप देखेंगे, तो ऐसी कुछ फिल्में आई गई है जहां पर इवन जो पॉर्न स्टार्स है उनको भी ग्लोरीफाई किया गया है। सनी लियोनी के जीवन पर भी वेब सीरीज भी बनाई गई है। राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी कि वो मेरी बेटी सनी लियोनी बनना चाहती है, वो शॉर्ट फिल्म आप अभी भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैंने उसका 5-5.5 वर्ष पहले उसका रिव्यू किया था, मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है। तो मेरी बेटी सनी लियोनी बनना चाहती है, और शॉर्ट फिल्म में क्या है कि माता पिता अपनी बेटी को मना कर रहे हैं, और बेटी माता पिता को रिग्रेसिव बता रही है, पिछली भी सोच वाला बता रही है, और मैं अगर पॉर्न स्टार बनना चाहती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। तो ये बातें बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे डाली जाती है। और आज अगर आप जो कह रहे थे कि वे पहले के एक्ट्रेसेस ऐसी नहीं थी, क्योंकि उस समय फिर भी जो बुजुर्ग होते थे, जो समाज है उनका एक सम्मान किया जाता था, पारिवारिक संस्था का सम्मान किया जाता था, विवाह की संस्था का सम्मान किया जाता था। पर पिछले 2-3 दशकों में ये जो वोक माइंडसेट है ना, कि सो कॉल्ड पेट्रियार्की है और उसके अगेंस्ट हमें लड़ना है, तो वो माइंडसेट बच्चों के दिमाग में डाला गया है, और वो जनरेशन आज फिल्म इंडस्ट्री में आई हुई है। तो उन्हें इस प्रकार के सीन देना या इस प्रकार से, ये उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत महान कार्य कर रहे हैं, वो कोई सो कॉल्ड पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो तो पिछड़ी हुई सोच वाले लोग हैं, मतलब जो इस सॉन्ग की आलोचना कर रहे हैं वो तो कंजर्वेटिव है, वो तो दकियानुसी सोच वाले लोग हैं, और उनका तो विरोध करना ही चाहिए क्योंकि ये तो समाज को पीछे लेकर के जा रहे हैं। ये लिटरली आपको ये कमेंट्स देखने को मिलेंगे, आप बेशरम रंग सॉन्ग के नीचे के कमेंट्स पढ़िए, सोशल मीडिया पर चर्चा अगर आप देखेंगे ना युवाओं की, मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से लिटरली यही बातें ये कर रहे हैं कि भाई ये तो पिछड़ी हुई दकियानुसी सोच वाले लोग हैं, ये तो देश को पीछे लेकर के जा रहे हैं। तो ये तो बच्चों के दिमाग में डाला गया है, और ये सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, और आने वाले 20 वर्षों में आपको और भी, अगर बच्चों को आज से हम ये बातें क्लियरली खुलकर उनके साथ में नहीं करेंगे, तो और मानसिक और बौद्धिक पतन हर एक जनरेशन के साथ में होते ही जाता है। प्रतीक जी, मुझे तो पिछले दिनों ये सुनकर के बेहद आश्चर्य हुआ था जब जया बच्चन ने अपनी नातिन के पॉडकास्ट में ये कमेंट कर दिया कि अगर मेरी नातिन नव्या शादी से पहले किसी के साथ दैहिक संबंध बनाती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और अगर बच्चा भी पैदा कर लेती हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कौन सी सोच है, ये हमारी कौन सी संस्कृति है, कौन से संस्कार हैं जिनका प्रतिनिधित्व जया बच्चन जैसे लोग करते हैं? मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना सर, कि आप सोच वही से तो आती है ना, ये वोक माइंडसेट कि भाई ये तो पेरेंट्स कौन होते हैं हमें रोकने वाले, अगर हम किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो कौन सी बड़ी बात है, अब शारीरिक संबंध बना तो कोई बड़ी, इसमें कौन सी गलत बात है। मतलब अगर आप संयम की बातें करते हैं, अगर आप किसी को कह देंगे ना, आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना देंगे, अगर आप ये बोल देंगे उसमें कि हस्त मैथुन के नुकसान क्या है, आप लिटरली परेशान हो जाएंगे, आपके वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि तुम कितने घटिया सोच वाले हो या कितनी दकियानुसी सोच वाले हो, हस्तमय तो उनसे तो कुछ नहीं होता है। लिटरली ये कमेंट आपके उस वीडियो के नीचे आएंगे और आपको परेशान कर दिया जाएगा। अगर आप किसी को संयम की बात बताते हो तो
एक ऐसा माइंडसेट युवाओं का भी बन गया है कि आपको ही मूर्ख सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। और जब जहां तक बात है लिव इन रिलेशनशिप की, विवाह से पहले गर्भ मतलब बच्चे होने की, तो ये तो लिटरली कई सारी फिल्मों में आजकल प्रमोट किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन की ही लुका छुपी नाम की फिल्म आई थी, उसका तो मुख्य विषय ही था लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करना, कि समाज कैसे धक्कियानुसी सोच वाला है, पिछड़ी हुई सोच वाला है, और लिव इन रिलेशनशिप को हमें कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, यही बात उस फिल्म का मुख्य विषय थी। अभी हाल ही में मैंने कल ही एक फिल्म देखी, हिट द सेकंड केस, तेलुगु फिल्म थी, उसमें भी जो लीड एक्टर है यही बात लिव इन रिलेशनशिप में है, वो एक्ट्रेस के साथ में जो है, जो उसकी जिस पार्टनर के साथ वो रह रहा है महिला, उसकी माँ इसका विरोध कर रही है और वो माँ को समझा रहे हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मतलब ये तो हर एक फिल्म में, चाहे आप क्राइम थ्रिलर बना रहे हो, मर्डर मिस्ट्री बना रहे हो, या फिर कोई रोमांटिक ड्रामा बना रहे हो, बस समाज तो दकियानुसी है, पिछड़ी भी सोच वाला है, और हमको समाज की सोच बदलनी है। तो फिल्म मेकर्स को तो ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़े समाज सुधारक है और समाज सबके सब दकियानुसी सोच वाले हैं, और फिल्म मेकर्स को यही लगता है कि भाई उनका कर्तव्य है कि इस रिग्रेसिव थॉट्स को, इन रिग्रेसिव पिछड़ी हुई सोच को हमें खत्म कर देना है, और उसी माइंडसेट से वो फिल्में बनाते जाते हैं, और उन्हें लगता है कि सेक्सुअल लिबरेशन पर फिल्में बना के वो कोई बहुत महान कार्य कर रहे हैं, वो समाज को कोई आजाद कर रहे हैं इस दकियानुसी सोच से। लिटरली हर एक फिल्म, आप पिछले कुछ समय में आया हुआ ओटीटी का कंटेंट अगर आप देखेंगे, नेटफ्लिक्स का कंटेंट अगर आप देखेंगे, किसी न किसी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना कि भाई पति तो, या तो जो पति होता है वो आपको वैवाहिक बलात्कार करने वाला दिखाया जाएगा, या फिर वो अपनी पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा है, या वो काम में इतना बिजी को पत्नी को समय नहीं दे पा रहा, इन तीन रीजंस की आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है। नेटफ्लिक्स इंडिया का मैं आपको 5-6 कंटेंट का ऐसा नाम बता सकता हूँ जिसमें यही सेम थीम है, यही सेम थीम है कि पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट आप उठा कर देख लीजिए, उनमें यही बातों को लगातार बार बार प्रमोट किया जा रहा है। इसी कारण से आप इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, रील्स देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी कोई संकोच नहीं है कि वो हमें कोई शालीनता का ध्यान या चरित्र, अपने चरित्र का ध्यान, ये सब बातें उन्हें पिछड़ी हुई और दकियानुसी लगती है। और इस कारण से छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी किस प्रकार से, कितने वल्गर ऐसे रील्स हम आए दिन देखते हैं, पर उसमें उन्हें कुछ बहुत बड़ा प्राउड फील होता है, उन्हें लगता है कि वो किसी पेट्रियार्की से लड़ रहे हैं। यह कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। जिस तरह से, मैं तो इसे साजिशन ही कहूंगा कि कुछ अलग विचारधारा के लोग हैं, या कहीं से प्रेरित लोग हैं, या कुछ दिग्भ्रमित लोग हैं जो अपनी जड़ों से कट गए हैं, जिनको शायद जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको नष्ट भ्रष्ट ही करना है। और कैसे लोग इन फिल्मों में पैसे लगा रहे होंगे, कैसे लोग इनमें काम कर रहे होंगे, ये फिर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय। बिल्कुल चुनौती है। और आप देखिए, एक बात ये भी है इसके पीछे कि फंड कर रहा है, ये मुझे मतलब इतना लॉजिकल बातें नहीं लगती है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा, मैं जो जो पिछले कुछ समय से ये कह रहा हूं, उनको ये बता दिया गया कि यही सही है, आपको सो कॉल्ड पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ना है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत महान कार्य कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करके, ऐसी फिल्मों में काम करके, ऐसी कहानियां लिखकर, ऐसे कैरेक्टर्स लिखकर, वो कोई बहुत महान समाज की सेवा कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं, ये उनका माइंडसेट बन गया है। जैसे कि आप और हम बात कर रहे हैं, हमें इन बातों से पीड़ा होती है, तो हम दूसरों को हमारे विचार उनके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो फिल्म मेकर्स है, उनको भी उनका वोक माइंडसेट सही लगता है, उन्हें लगता है कि ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं तो फासीवादी है, ये समाज को पीछे लेकर के जा रहे हैं, ये दकियानुसी सोच वाले लोग हैं, ये तो इनको क्या समझ में आएगा सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह क्या होता है, इन्होंने तो देश को इतना पीछे लेकर के जाके रखा है, वेस्टर्न वर्ल्ड देखिए वो सेक्सुअल लिबरेशन को फॉलो करते हैं तो कितने महान है। ये लिटरली आप, यही युवाओं की माइंडसेट बन गई है, उन्हें ये नहीं पता कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास क्या है, जो जिन वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उन्होंने, उनमें से कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों से लूटी हुई संपत्ति पर अपने देश खड़े किए हैं, या फिर हथियार बेच बेच कर वो इतने बड़े हुए हैं, पर भारत पिछले 1000 वर्षों से अपनी ही सभ्यता, अपनी ही पहचान बचाने के लिए हम लड़ रहे थे, और आने वाला समय भारत का ही होने वाला है, इसमें सेक्सुअल लिबरेशन को वो फॉलो कर रहे थे, इसलिए वो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड आगे है या बहुत डेवलप्ड वो कंट्रीज है, ऐसी बात नहीं है, पर
शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से या साहित्यकार ऐसे हैं कला के क्षेत्र में, ऐसे लोगों का वर्चस्व बना हुआ है कि उन्होंने युवाओं का माइंडसेट को बना दिया है। आज लिटरली बहुत सारे युवा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहते हैं कि भाई भारत ने दुनिया को दिया ही क्या है, हमने क्या दिया है दुनिया को, हमने कौन सी खोज की हुई है, हम तो ब्रिटिश आने से पहले सुई तक नहीं बनाते थे। ये लिटरली कमेंट्स रोज आए दिन में पढ़ता हूँ। तो ये उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ऐसी फिल्में बनाकर कोई बहुत महान काम कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में आप अमेरिका में अभी अगर देखेंगे तो वहां के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वोक कंटेंट से परेशान हो चुके हैं। तो इसके पीछे फंडिंग वगैरह नहीं है, ये माइंडसेट है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। यही मुझे लगता है इसके पीछे का रीजन। और प्रतीक जी, अगर वापस इस कंट्रोवर्सी पर लौटें जो एक सॉन्ग को लेकर के है और वल्गरिटी को लेकर के है जो दीपिका पादुकोण की है, और जिस तरीके से शाहरुख खान का बयान आया है, वो बयान भी मैं उसकी ऑडियो सुनवा देता हूं दर्शकों को, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सुन ली होगी। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि शाहरुख खान का जो ये बयान है, इसका मतलब क्या है? क्या बॉलीवुड में एक हिस्सा ऐसा है जो अब तन करके खड़ा होने को तैयार हो गया है राजनीतिक कारणों से या दूसरे कारणों से? मतलब क्या है इसका जो ये डायलॉग मारा है शाहरुख खान ने मंच से? देखिए 2014 के पहले भी अगर आप देखेंगे, विशेषतः 2004 से लेकर के 2014 के बीच में बॉलीवुड का कंटेंट अगर आप देखेंगे ना, एक भी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। अटल जी के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में आई, चाहे वो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह हो या वीर सावरकर जी की पर जो फिल्म आई थी, उसमें तो अटल जी ने स्वयं अपना योगदान भी दिया था, पैसे भी लगाए थे। और भी कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा की सनी देओल जी की फिल्में उस समय अटल जी के समय में आई थी, 1999 से 2004 के बीच में। पर 2004 के बाद में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही जो एक तथाकथित एक क्या कहे वो क्या सेक्युलर माइंडसेट का कंटेंट उसके बाद में आने लगा। भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में आने लगी। जग दे इंडिया का भी अगर आप उदाहरण देखेंगे, उसमें भी भारत को यही एक इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया है। जिनके जीवन पर वो फिल्म आधारित है, जग दे इंडिया, जिनके जीवन से प्रेरित है, आधारित नहीं प्रेरित कहेंगे हम, तो उनके जीवन में तो ऐसा कहीं पर भी कोई पाकिस्तान का रेफरेंस हो या कोई ऐसा कोई कंट्री कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, पर वो उन्होंने अपने मन से कहानी डाल दी। इवन रंग दे बसंती का उदाहरण आप उठाकर देख लीजिए, शौर्य फिल्म आप उठाकर देख लीजिए, बहुत ही विकृत मानसिकता की फिल्म, हैदर फिल्म उठाकर आप देख लीजिए, जोधा अकबर भी इसी समय आई 2004 से 14 के बीच में। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जब कांग्रेस की सरकार 2004 के बाद में, तो ये भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में उसके बाद में बनना शुरू हुई। पर ये बहुत सटल वे में हो रहा था, जैसे कि अभी चक दे इंडिया अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसको समझ भी नहीं आएगा कि भाई उसमें ऐसी कोई माइंडसेट है। या इवन आप रंग दे बसंती को अगर आप देखेंगे, उसमें भगत सिंह जी को सामने रखकर उसकी आड़ में बहुत सारी ऐसी बहुत ही डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी बातें भगत सिंह जी को सामने रखकर उन्होंने रंग दे बसंती में दिखाई थी। ऐसी बहुत सारा कंटेंट 2004 से 14 के बीच में आया। पर 14 के बाद में एक परिवर्तन हुआ, जब मोदी जी सत्ता में आए उसके बाद में बॉलीवुड की ये जो पूरी लॉबी थी ना, वो खुलकर फिर सामने आ गए। 2014 के बाद में खुलकर इन्होंने वोक माइंडसेट की या जो भी है क्या राष्ट्रवादी विचारधारा को टारगेट करने वाली या जो विलन होते थे उनके हाथ में बहुत ही ज्यादा क्लियरली वो अपनी संस्कृति को फॉलो करने वाले हो या भगवा ध्वज उनके हाथ में हो, वैसे रंग दे बसंती में भी था जो निगेटिव कैरेक्टर थे उनके हाथ में भगवा झंडा वगैरह दिखाया गया था। पर 2014 के बाद में और खुलकर हुआ, बड़े बड़े एक्टर्स ने भारत को इंटॉलरेंट होने की बात कही, आमिर खान ने वहां पर उस समय ये भारत को असहिष्णु होने की बात उन्होंने कही, और अभी मेरे अनुसार शाहरुख खान ने ये जो बात कही है वो उससे कुछ अलग नहीं है। आमिर खान ने डायरेक्टली कहा था कि भाई बहुत देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, बढ़ गया है। और शाहरुख खान ने भी क्या कहा, सोशल मीडिया का नाम लिया, खाली उन्होंने डायरेक्टली देश का नाम नहीं लिया पर सोशल मीडिया का नाम लिया कि भाई सोशल मीडिया संकुचित मानसिकता का हो गया है, नकारात्मकता फैला रहा है। तो बात तो वही होगी ना कि लोग जो आलोचना कर रहे हैं वो उनको
नहीं हुई हजम या उनको नहीं आया पसंद, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो नकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही एक असहिष्णुता बढ़ रही है, यही एक माया उसके पीछे की विचार मुझे लगता है उस वक्तव्य के पीछे का। बाकी तो मायने निकालने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर इतना सब कुछ देश की जनता बॉलीवुड की आलोचना कर रही है, हम बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखेंगे ये बात कर रही है, पर अभी भी मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड जिनका वर्चस्व है बॉलीवुड में उनके विचारों में कोई परिवर्तन आया है। और पिछले कुछ समय में जो राष्ट्रवादी विचारधारा की भी कुछ तथाकथित फिल्में इन्होंने बनाई हैं, वो भी सब बस जबरदस्ती उन्होंने बनाई हो ऐसा ही हमें लगता है। उन फिल्मों का भी उन्होंने मजाक बनाकर ही रख दिया, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म हो या और भी कुछ ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में आई है पिछले 3-4 वर्षों में, उनका लिटरली उन्होंने बस मजाक ही उड़ाया है। और प्रतीक जी, अगर पठान फिल्म के भविष्य की मैं बात करूं, तो जो अब तक आपको जानकारी मिली है फिल्म के बारे में, क्या आप कहेंगे किस तरह की फिल्म है ये? और जो बायकॉट का अभियान शुरू हुआ है, ये लाल सिंह चड्ढा की तरह फलीभूत होगा? मैंने पर्सनली पठान के बारे में केवल सोशल मीडिया पर जो कुछ बॉलीवुड के फैंस हैं या कुछ शायद उनकी पीआर टीम वगैरह है उनके द्वारा बनाई गई हाइपी मैंने देखी है। जमीनी स्तर पर मैंने जितने लोगों से बात की है या बातचीत हुई है, मैंने कम से कम उस फिल्म को लेकर कोई ऐसी हाइप वगैरह मेरे देखने में तो कम से कम नहीं आई है, और ऐसी कोई उत्सुकता उस फिल्म को लेकर हो ये भी मेरे देखने में नहीं आई। और बॉलीवुड को लेकर नाराजगी तो लोगों के मन में है ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अनुसार तो कम से कम ऐसी कोई हाइप मैंने नहीं देखी है फिल्म के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए ओसियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।